क्योंकि हमारा जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन है, मैंने बोला बहुत कारणों से होता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन, कभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएस होल्ड के कारण नहीं होता। अब क्या है मार्केट में ना, जो चीज बता दो वो पकड़ लेता है, पीएस होल्ड पीएस होल्ड। सर पीएस होल्ड चेक करो, पीएस होल्ड। अरे पीएस होल्ड के ऊपर भी नीचे ये सब रेफरेंस कैपेसिटर है, ये सब लगे होने बहुत जरूरी है, ये ग्राउंड सेंस की लाइन है, सब रेफरेंस कैपेसिटर है। कोई एक्सो का है तो रेफरेंस क्लॉक का है, तो सब रेफरेंस क्लॉक एक्सो के लिए। स्लीप क्लॉक ये रजिस्टर भी लगा होना चाहिए, ठीक है। ये 32 किलो हर्ट्स का है, पावर ऑन रिसेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो कॉल कर मैं पावर ऑन रिसेट जरूर चेक करें। ये देखो पीएस होल्ड, ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये सीपीयू के नीचे ये रजिस्टर है। अब देख लेते हैं पहले ये है, पहले एटलीस्ट कंपोनेंट चेक कर लाइन को एक बार फिर से चेक करते हैं। वोल्टेज आ रहा है ठीक है, पर फ्लक्चुएट है, और फ्लक्चुएट वोल्टेज में कभी भी आपका फोन ऑन नहीं होगा, स्टेबल है। और अब सारे ये बक लाइन चेक करेंगे दोस्तों। इस पर जिसको बक के वोल्टेज चाहिए, बक की सप्लाई चाहिए, वो मुझे बताएं, मैं इस पर वीडियो डालूंगा। क्योंकि वैसे भी मैंने प्रण लिया है कि मैं आपको सब तरह के वीडियो दूंगा यूट्यूब चैनल पे। मुझे 1 मिलियन, ये देखो तो डीसी मशीन जो रीडिंग ले रहा है, हमारा जो नोज कट पॉइंट है उसके, उसको पहला मान लो, फिर दूसरा तीसरा चौथा, इस तरह से मान के चल लो एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ध्यान दीजिए, अब मुझे यहां पे क्रिस्टल लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा, तो देखो ये ग्राउंड है, तो ये मेरा पहला हो गया, ये दूसरा हो जाएगा, उल्टा चलना है। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की, जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग। यार अभी मेरे पास एक फोन है और बहुत यूनिक कंसेप्ट है उसका, और उस पर ऑलरेडी काम हुआ है ठीक है, तो दिखाना चाहूंगा ये। तो Redmi 7 है और इसमें ये डेड कंडीशन में है, और इसमें जैसे हम बात करते हैं ना, जो मैं सीधे डायरेक्ट आऊंगा कि इसमें ऑलरेडी ये देखिए, ये सारी चीज खोल खाल के हमने अभी इसको बोर्ड चेक किया, और बोर्ड चेक करने के बाद, क्योंकि सबसे पहले जब भी हमारे पास डेड फोन आता है, सबसे पहले जब हमारे पास डेड फोन आता है तो हम उसको आई डायग्राम करते हैं। दोस्तों डेड फोन को है ना कैसे बनाए, मैटर ये है डेड फोन को कैसे बनाए। तो डेड फोन को डेड बनाने के लिए तो एसर टेलीकॉम आपको बेस्ट टेक्निक देगा, बट मैं इसको डायग्नोस करता हूँ। तो आप नोटिस करना कि पहले तो हर जगह का पतरे उतरे हुए हैं, देखिए एपीटी मॉड्यूलेटर, ये देखिए कंपोनेंट, देखिए टेरे मेरे से कंपोनेंट है, मतलब यहां पर भी काम हुआ है इधर, ये आईसी पे पेस्ट दिखाई दे रहा है, मतलब इस आईसी को निकाला लगाया गया है ठीक है, रिंगर आईसी है ये। और ये देखिए तो सोल्डिंग का यहाँ पर सोल्डर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हीट, ये हीट के निशान है, ये थोड़ा सा गल सा गया है ठीक है। और अच्छा यहाँ पे आईसी पे काम किया गया है, और क्रिस्टल क्रिस्टल भी निकला हुआ है, तो खैर बिना क्रिस्टल के तो फोन ऑन होगा नहीं। अब जितने भी निकाला होगा, मेरे ख्याल से यहाँ क्या हुआ होगा मैं बताता हूँ। चलो इसमें सबसे पहले इसको डायग्नोस करते हैं, तो सबसे पहले इसकी रीडिंग लेते हैं कि डीसी की रीडिंग क्या है, और उसके बाद में एम्पियर कितना ले रहा है, दो चीज अपन इसको चेक करते हैं, एक डीसी की रीडिंग और एक एम्पियर। तो ये दोनों चीज चेक करने के बाद, हालांकि क्रिस्टल अपन लगा देते हैं क्योंकि बिना क्रिस्टल के तो क्या ही मतलब है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि डायग्नोस तो उसको हम कर लिया है, तो मैंने इसलिए सोचा कि वीडियो बनाऊं, क्योंकि वीडियो यूनिक
और ये वीडियो मुझे नहीं लगता कि YouTube में आपको मिलेगा, कि ये आपको YouTube में जिस सप्लाई के बारे में बताया जा रहा है, अभी हुआ कट रहा है जिस सप्लाई का, हर कोई उसी सप्लाई के बारे में बात कर रहा है, मैं आपको उससे भी बेस्ट एक सप्लाई देता हूँ, ठीक है, जिसमें जिसके बारे में लोगों का दिमाग कभी जाएगा नहीं। तो सबसे पहले इसमें तो क्रिस्टल लगा दे यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्रिस्टल लगाने के लिए हमें एक बोर्ड चाहिए, तो दूसरा एक बोर्ड निकालना पड़ेगा। तो कॉलकम के बोर्ड का ही क्रिस्टल लगाएं, कॉलकम के बोर्ड में कभी मीडियाटेक का ना लगाएं, क्योंकि दोनों के हर्ट्स अलग होते हैं। आप नोटिस करो यहाँ पे 19.2 का क्रिस्टल है, ठीक है। और क्रिस्टल लगाने की भी एक टेक्निक होती है, आप हालांकि उसको 2 बार लगा सकते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट अगर आप सही बार में लगाना चाहते हैं तो वो टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ। आप इसका एक तरह से ये जो पॉइंट है मेगा से पहले, वो दिमाग में याद रखो, ये पॉइंट दिमाग में रखिए, ठीक है। मैं एक क्रिस्टल निकाल लेता हूँ। फिर हम क्या करेंगे, हम इस क्रिस्टल को, इस क्रिस्टल के अंदर पैड चेक करेंगे और वही पैड लाइन के हिसाब से हम ये क्रिस्टल लगाएंगे, क्योंकि हमें इसका ग्राउंड चेक करना है। अब इस क्रिस्टल को दोस्तों कैसे भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें इन आउट और थर्म की लाइन होती है, एक्सोथर्म। तो अगर आप इन लाइन और एक्सोथर्म की लाइनों को ध्यान नहीं दोगे तो आपका सेट ऑन नहीं होगा क्रिस्टल लगाने के बाद भी। तो देखिए फिलहाल मैंने क्रिस्टल निकाल के रख लिया है, ठीक है। अब मल्टीमीटर का यूज करेंगे, आप मल्टीमीटर को देख ही रहे हैं, अभी मेरा ये देखिए डायोड मोड पे है और ये मल्टीमीटर यूनिटी का मल्टीमीटर है, और तो ये मेरा नोज कट पॉइंट था, तो नोज कट पॉइंट पे मेरे को जीआर मिल रहा है, यहाँ मुझे ग्राउंड मिल रहा है, यहाँ मुझे जीआर मिल रहा है, और यहाँ भी मुझे जीआर मिलना चाहिए, ठीक है। तो क्रिस्टल के लिए मैं एक बहुत बेहतरीन वीडियो बनाने वाला हूँ, जो मैं आपको अभी 1-2 दिन के अंदर ही दे दूंगा, तो इसलिए उसके लिए चैनल को जुड़े रहना। अब दोस्तों ध्यान रखना, तो हमारा जो नोज कट पॉइंट है उसके उसको पहला मान लो, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से मान के चल लो एंटी क्लॉक वाइज। तो अब ध्यान दीजिए, अब मुझे यहाँ पर क्रिस्टल लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा, तो देखो ये ग्राउंड है, तो ये मेरा पहला हो गया, ये दूसरा हो जाएगा, उल्टा चलना है, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरीके से उल्टा चलना है। यहाँ पर ये इन आउट की लाइन है और यहाँ पे आपको सब सप्लाई मिलेगी, ये देखो यहाँ पे आपको सप्लाई मिलेगी, यहाँ पे आपको सप्लाई मिलेगी, ठीक है। मतलब बेसिकली अब मुझे अपना क्रिस्टल, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे लगाना है। अगर कोई भोंदा आपको ये बता रहा है कि क्रिस्टल उठाओ और लगा दो, तो भैया ऐसा मत करना। अच्छा देखो क्रिस्टल के, अब आप देखेंगे कि आपको, अच्छा देखो क्रिस्टल के अंदर ना एक कॉम्पोनेंट लगा हुआ है दोस्तों, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो ये जो कॉम्पोनेंट है ये क्या है, ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं बताऊंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। मैंने ना क्रिस्टल का वीडियो आने दो, उसमें बताऊंगा इस कॉम्पोनेंट के बारे में। चलो क्रिस्टल लगा देते हैं, तो इसको हम ऐसे लगाएंगे, ये वन टाइम में ही सही तरीके में लगाना है। और क्रिस्टल लगाने के बाद हम देखेंगे कि हमारा फोन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हालांकि क्रिस्टल लगाने से फोन ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी काम किया होगा फोन है, क्या ही ऑन होगा।
तो अब क्रिस्टल लग गया है, एटलीस्ट इतना है कि हम डीसी की रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि बिना क्रिस्टल के तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान रखिए, इसमें यहाँ पे पावर आईसी भी रिबोल हुई है, और मतलब किसी नॉर्मल टेक्नीशियन ने इसको छेड़ा हुआ है, बट ठीक है। मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि 10 जगह से बंद कर आया हूँ मैंने बनाया, सुपीरियर ये अपन को नहीं पसंद। हाँ, अपना काम ही बनाना है, अब वो कहीं से भी बंद कर आए, कहीं से भी आए। तो अगर अब मैं बात करूँ दोस्तों, पहले सबसे पहले इसकी डीसी मशीन की रीडिंग मैं आपको बताना चाहूंगा। तो मैं इसको बोर्ड में लगा लेता हूँ, और बोर्ड में लगाकर नोटिस कीजिए, डीसी मशीन रीडिंग का ये देखो। तो डीसी मशीन जो रीडिंग ले रहा है ये देखो 0.02, फिर से दबा रहा हूं, इसका मतलब ये एक लो बूटिंग है। एम्पियर की रीडिंग देखो, तो देखो कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है सेट, नोटिस करो, देखो एम्पियर कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है सेट। देखो बैटरी भी लगा के रखी है, ठीक है, ये देखो कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है सेट। तो आइए इसी को चेक करेंगे, तो दोस्तों आइए इसी को चेक करते हैं कि मसला किधर है। तो सबसे पहले हम केबल लगाएंगे और इनिशियल चीजें चेक करेंगे। देखिए बैटरी निकाल देता हूं और केबल लगाई मैंने, ये देखिए केबल लगा दी। अब यहां पे वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारे वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अब देखिए मैंने डीसी वोल्टेज पे कर दिया है, ठीक है, और अब सबसे पहले प्राइमरी वोल्टेज चेक करेंगे, प्राइमरी मतलब इनपुट 5 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वालकॉम का सेट है। तो यहां अगर मैं बात करूं 0.4 और 0.1, मतलब कोई ना के बराबर वोल्टेज है 0.1, तो क्वालकॉम में बैड आइडिया। अगर मीडियाटेक होता तो मैं यहां पर जरूर वोल्टेज चेक करता। क्वालकॉम में किसी सेट पे ये वोल्टेज आते हैं और किसी सेट पे वोल्टेज नहीं आते हैं, पर यहां पे 0.4 बन रहे हैं एक जगह, ठीक है। वी बैट की अगर हम बात करेंगे तो वी बैट पे कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं ये ईडियल पॉइंट। अच्छा दोस्तों यहां पे देखो, यहां पे कुछ कॉम्पोनेंट भी आपको टेढ़े मेढ़े से दिखाई दे रहे हैं, तो इनको, अच्छा ये कॉम्पोनेंट देखिए, यहां से कॉम्पोनेंट यहां पर चला गया है, तो ये आपका वाईफाई का कॉम्पोनेंट होगा। फिलहाल इस वाले कॉम्पोनेंट को मैं हटा देता हूं, ये एक्चुअली यहां लगा था, यहां से टच होके यहां पर आ गया है, ये कॉइल से ही लगा है। तो कैपेसिटर है, उसको वापस लगा देंगे अगर कोई दिक्कत जाएगा तो। फिलहाल पर बूटिंग में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत जाएगा, WCN वाईफाई आईसी है। अब दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे, देखिए डीपी पे 0.5 आ रहा है, डीएम पे नोटिस करेंगे 0.5 आ रहा है, और 1.8 ईडियल का पॉइंट चेक करेंगे। क्वालकॉम में हमेशा ईडियल पॉइंट जरूर चेक करें, तो उससे हमारे को हायर एलडीओ पता चल जाता है कि हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो देखिए वोल्टेज बन रहा है 1.7, पर फ्लक्चुएट कर रहा है। अब देखिए क्रिस्टल लगा दिया है, ऐसा नहीं है क्रिस्टल नहीं लगाया है, क्रिस्टल नहीं लगाएंगे तो ऑब्वियस है कि ये फ्लक्चुएट करेगा, बट क्रिस्टल लगा दिया है पर अभी भी ये वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है। तो फ्लक्चुएशन कर रहा है तो बीपीएच लाइन चेक करेंगे, बीपीएच स्टेबल है,
और अब सारे ये बक लाइन चेक करेंगे दोस्तों। इस पर जिसको बक के वोल्टेज चाहिए, बक की सप्लाई चाहिए, वो मुझे बताएं, मैं इस पर वीडियो डालूंगा। क्योंकि वैसे भी मैंने प्रण लिया है कि मैं आपको सब तरह के वीडियो दूंगा यूट्यूब चैनल पे, बस मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए बस। देखिए ये 2 वोल्टेज मिल रहे हैं पर ये भी फ्लक्चुएट कर रहे हैं। सॉरी दोस्तों, तो कॉल आ गया था, तो आइए बक लाइन को एक बार फिर से चेक करते हैं। वोल्टेज आ रहा है ठीक है, पर फ्लक्चुएट है, और फ्लक्चुएट वोल्टेज में कभी भी आपका फोन ऑन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सीपीयू अभी डिटेक्ट नहीं है। नोटिस करो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है ठीक है। ये देखो यहाँ पे हम देखेंगे 0.5, 0.7 फ्लक्चुएट, यहाँ पे नोटिस करो 0.7 फ्लक्चुएट, यहाँ पे देखिए 1.2 ये आ रहा है। तो ये लोअर एलडीओ है, ये हाई एलडीओ है, और यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे तो ये भी फ्लक्चुएट है, और ये वोल्टेज चेक करेंगे इस कॉइल का तो ये भी फ्लक्चुएट है। मतलब जो आपके सारे कॉइल हैं, कोर, जैसे हम बात करें हाई एलडीओ, तो ये सारे कोर्स और ये सब कुछ हैं जो फ्लक्चुएट आ रहे हैं। तो आप इसका डायग्राम ओपन करते हैं और जो जो फ्लक्चुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो चेक करेंगे। हम डायरेक्ट सीपीयू पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अगर सीपीयू को डायरेक्ट उठाते हैं तो ये सही नहीं है, अगर डायग्राम है तो। नहीं तो फिर तो डायरेक्ट उठाकर सारी चीज पैडलाइन के हिसाब से चेक करनी पड़ती है, क्योंकि डायग्राम नहीं है तो पैडलाइन ही है जो हमें डायग्राम बनवाता है हमको। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम डायग्राम ओपन करते हैं। तो नोटिस करो मैं डायग्राम को स्क्रीन पे ला रहा हूं, तो अब देखो ऊपर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। अब यहां मैं बात करूं डायग्राम की तो डायग्राम में सबसे पहले हम Redmi 7 में जाएंगे, ए और ओपन कर देंगे ठीक है। अब हम इसमें वो सारे फैक्टर्स ढूंढेंगे जिसकी वजह से वोल्टेज फ्लक्चुएट करते हैं। तो आप लोगों को तो बताया ही है, आप लोग ने बहुत बार वीडियो में देखा होगा बहुत सारे लोकल टेक्नीशियन से कि भैया जो टेक्नीशियन प्लस इंस्टीट्यूट हम चलाते हैं उनसे, पर आधी अधूरी चीज बताते हैं। ऑब्वियस है, क्योंकि पूरी चीज बताने के लिए तो इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है ना, है ना। और वीडियो में क्या ही समझ लोगे, उनका भी सही है, वो क्या बता देंगे तुम्हें वीडियो में। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीएस होल्ड। तो बहुत ज्यादा पीएस होल्ड की लाइन है, पर दोस्तों सीक्वेंस पीएस होल्ड पे नहीं आता, क्योंकि पीएस होल्ड बहुत आखिरी की बात है। आप नोटिस करो मैं पीएस होल्ड की लाइन के, देखो पीएस होल्ड ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये सीपीयू के नीचे ये रजिस्टर है। अब देख लेते हैं पहले ये है, पहले एटलीस्ट कॉम्पोनेंट चेक कर रहे हैं यहां पर, आप समझ रहे मेरी बात, क्योंकि आप अगर कॉम्पोनेंट नहीं चेक करोगे, सीधे सीपीयू निकालोगे तो गलत बात है ना। तो
डिस्प्ले का केबल निकाल दो और केबल चार्जिंग के केबल लगे रहने दो, ठीक है, तो वोल्टेज चेक हो जाएंगे इजीली। तो यहाँ पे नोटिस करो सीपीयू ये है। अब ये तीन रजिस्टर हैं एक डायोड के बगल में, अच्छा दो कैपेसिटर हैं और तीन रजिस्टर हैं, ये रजिस्टर है तो तीन कैपेसिटर ये लगे, तो ये रजिस्टर है ये, तो ये रजिस्टर क्या है, बाकी के दो ऊपर हैं एनएफ होंगे है ना, इसलिए ये लगे नहीं है। तो आइए मल्टीमीटर का यूज करते हैं अपने और चेक करते हैं कि वहां पर क्या सप्लाई मिल रही है। अच्छा देखो यहां पर भी ना कुछ रांगा सा लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक रांगे का बॉल है, यहाँ पर भी मेरे को लग रहा है सीपीयू वीपीयू पे कहीं हीट वीट मारी होगी तो वहीं से बॉल वॉल आ गए होंगे, पर ठीक है देखेंगे सीपीयू उतारना पड़ेगा कि नहीं, वो तो बात की बात है। तो ये ना ये रजिस्टर है आई थिंक, ये रजिस्टर है क्योंकि उसके बाद में ये दो हैं, तो नोटिस करेंगे। देखिए दोस्तों यहां पर कोई भी वोल्टेज नहीं है, इस रजिस्टर पे कोई भी वोल्टेज नहीं है। चलो अब रजिस्टर को चेक कर लेते हैं हटाकर कि रजिस्टर, तो मैंने चार्जर हटा दिया और डायोड मोड पे ले लिया। अब मैं रजिस्टर चेक कर लेता हूं, तो ये 1K का रजिस्टर है क्या, हाँ 1K का रजिस्टर है, तो ओम्स मोड पे ले लेता हूं। अब ओम्स मोड पे ले लिया तो 1K का रजिस्टर है ये, तो देखिए 0.9 मतलब 1K का रजिस्टर बिल्कुल ओके है। अच्छा अब डायोड मोड पे लेके बाद जीआरबी चेक कर लो, और आप बेहतर यह है कि इस रजिस्टर का जीआर निकाल के चेक करो फिर भी, पर अभी मैं रजिस्टर निकालूंगा नहीं क्योंकि अभी मैं प्रॉपर सारी लाइनें चेक करना है। तो देखो दोनों ओर जीआर आ रहा है पर ये रजिस्टर से भी फ्लो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ओर आ रहा हो दूसरी ओर नहीं। तो चलो अब ये हो गया, अब वोल्टेज फ्लक्चुएट पीएस होल्ड, तो ठीक है पीएस होल्ड कब बनती है, पीएस होल्ड के लिए मैं बहुत प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत मजा आएगा उस वीडियो में, ठीक है कोई नहीं दे सकता है क्योंकि इतना खोल के कोई दे ही नहीं सकता क्योंकि उसको लगता है वो उसका कंटेन है, वो दे देगा तो वो फिर क्लास में क्या सिखाएगा, हम बोलते हैं हमसे सीखो फिर क्लास में आके हमसे पढ़ो प्रैक्टिकल करो। हा? तो मेरे भाई अगर मैं बात करूं डायग्राम की तरह, ये है डायग्राम, पीएस होल्ड दोस्तों तब बनता है जब इसको पावर ऑन रिसेट की लाइन मिलती है। तो पावर ऑन रिसेट अगर हम बात करेंगे, ये देखो ये पावर ऑन रिसेट, ये दिख रहा है, तो ये भी आप दिख रहे हैं, तो ये पावर ऑन रिसेट की लाइन पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो ये रजिस्टर भी निकल जाएगा तो भी आपका होल्ड लाइन पर वोल्टेज नहीं बनेगा और आपके वोल्टेज फ्लक्चुएट होंगे। तो अब हम बात करेंगे वोल्टेज की, कि पहले हम देख लेते हैं हमारा पीएस पावर ऑन रिसेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो कॉल कर में पावर ऑन रिसेट जरूर चेक करें, मैं आपको बिना स्कीमेटिक से ढूंढना सिखाऊंगा पावर ऑन रिसेट बिना स्कीमेटिक के किसी भी फोन में, समझ रहे हो। तो फिलहाल तो यार स्कीमेटिक है ना मेरे भाई, तो यहां पर अगर हम बात करेंगे पावर ऑन रिसेट पे 1.8 वोल्टेज बनना चाहिए, तो वो लगा हुआ है इधर,
ये रजिस्टर। तो यहाँ पर हम वोल्टेज में कर देते हैं, है ना। तो देखिए 1.8 बन रहा है, पर ये क्या है, फ्लक्चुएट है। मतलब पावर, ओ सर पावर एक नंबर सर, पावर एक नंबर सर, थोड़ा थोड़ा आता सर, थोड़ा थोड़ा में सीखेंगे सर। पावर एक नंबर, तो पावर एक नंबर को सुफे, मतलब पावर पे काहे काम कर रहे भैया, पावर पूरी पलटा दी। अब एक और लाइन है जो बचती है, और भी लाइन है, मैं भी तो एक और लाइन लेता हूं। जितनी भी क्लॉक की लाइन है ना दोस्तों, सब चेक करनी है। क्लॉक की लाइन सारी होल्ड करती हैं, सारी अनस्टेबल होती हैं, समझ रहे हो। जितनी भी क्या है क्लॉक की लाइन है, पावर को पढ़ो, पावर को पढ़ना सीख गए ना तो सब सीख जाओगे। तो ये पावर है तुम्हारा, तो इसको पढ़ेंगे। तो ये क्रिस्टल तो हो गया क्योंकि हमने लगा दिया था। अब कीपैड पावर ऑन, तो ये सिस्टम ओके पीएमआई, तो ये तो मिलिएगा, कौन पावर ऑन रिसेट बनेगा नहीं, पीएस होल्ड नहीं, तो रिसेट इन, ये वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो रिसेट इन। एस पी एम आई क्लॉक डाटा, ये तो आईएसपी को निकालने के बाद में जी आर चेक करेंगे। डब्ल्यू टी आर एफ, आर एफ क्लॉक, एक्सो क्लॉक है ये डब्ल्यू टी आर, ये एक्सो क्लॉक का रजिस्टर भी चेक करना है। बीबी क्लॉक, बेस बैंड क्लॉक, ये सीपीयू वाला क्लॉक है, ये भी चेक करना है। पीएम एक्सो थर्म, इसी के लिए वो कॉम्पोनेंट लगा था क्रिस्टल के नीचे। ये सब रेफरेंस कैपेसिटर है, ये सब लगे होने बहुत जरूरी है, ये ग्राउंड सेंस की लाइन है, सब रेफरेंस कैपेसिटर है। कोई एक्सो का है तो रेफरेंस क्लॉक का है, तो सब रेफरेंस क्लॉक है एक्सो के लिए। स्लीप क्लॉक, ये रजिस्टर भी लगा होना चाहिए, ठीक है, ये 32 किलोहर्ट्ज का है, ये भी हट जाएगा तो भी नहीं होगा काम। स्लीप क्लॉक, और इस पे ना डीएसओ चेक किया जाता है दोस्तों, मैं देख लू लगा है कि नहीं लगा है। स्लीप क्लॉक लगा है, आप ये देखो ये रजिस्टर यहां लगा है, ये दिख रहा है यहां पर, और ये भी 0 ओम्स का रजिस्टर है ना, लगा है। तो पहले सारे कंपोनेंट देखना बहुत जरूरी है। और देखो तो एक्सो क्लॉक का रजिस्टर ये कहाँ है, तो ये इसी के पास यहां पर, तो एक्सो क्लॉक का रजिस्टर लगाए, ये देखिए ये दिख रहा है। अब बीबी क्लॉक ये लगा है, ये देखो ये बीबी क्लॉक का रजिस्टर है, कितने 0 ओम्स का, तो 0 ओम्स का रजिस्टर है। अब बीबी क्लॉक का रजिस्टर चेक करेंगे दो कैपेसिटर के बगल में, ये देखो बीबी क्लॉक का रजिस्टर देखो। अब देखो दोस्तों उसके अलावा भी कुछ कंपोनेंट और गायब है, मैंने ये बहुत पहले ही मेजर कर लिया था, इसलिए मैंने बोला ये बहुत अच्छा वीडियो बनेगा इस पे। तो ये कंपोनेंट भी गायब है और इनकी भी चर्चा करते हैं। तो बीबी क्लॉक का तो रजिस्टर लगाएंगे, फिर चेक करेंगे कि हमारा होल्ड रुका कि नहीं रुका, इन कंपोनेंट की भी चर्चा करते हैं। तो ये कंपोनेंट क्या है, तो सबसे पहले ये ऊपर वाला कंपोनेंट, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट, राइट। तो पावर के पास में जाएंगे, अच्छा ये जो कैपेसिटर है इसका नाम है C1614,
ये देखो, तो ये एक चार्जिंग पंप कैपेसिटर है और ये बहुत जरूरी है। अगर क्या, ये ऑडियो के लिए, ऑडियो में लगा हुआ है CDC, क्योंकि इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा कैपेसिटर हम देखेंगे, दूसरे कंपोनेंट हम देखेंगे। यहाँ पर भी देखो कुछ कंपोनेंट निकले हुए हैं, एक दो वो अलग ही दिख जाते हैं। तो वो कंपोनेंट निकलना और NF कंपोनेंट अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये NF है ना, और ये निकले हुए हैं। ये देखो अलग से रंगा दिखाई दे रहा है, ज्यादा ज्यादा रेंज पे। ये निकला हुआ नहीं है, ये निकला हुआ है। तो हमेशा ना आई डायग्नोस इस तरीके जरूर करो। हाँ, समझ रहे हो? तो ये रजिस्टर भी निकला हुआ है जो BPH लाइन दे रहा है वीरेज बूस्ट को CDC लाइन में। तो इसमें साउंड तो चलेगा पर ज्यादा वॉल्यूम पर नहीं चलेगा, समझ रहे हो? खैर, इनकॉम्पिटेंट की तो बात की बात है। अगर देखो चार्जर लगा है तो देखते हैं कि क्या हमको मिल सकता है DC पे। तो चेक कर लेते हैं। तो एक सिरा मैंने ग्राउंड रखा हुआ है, पॉइंट एट वोल्टेज, 0.7 फ्लक्चुएट है, पर तो दोस्तों 0 ओम्स का रजिस्टर है। जंपर मारे कि लगाए कमेंट करके बताओ। जंपर मारने वाले कमेंट बिल्कुल वही हैं जैसे एकदम। देखो जंपर मारना बहुत बेसिक काम है दोस्तों। जो सॉफ्टवेयर करता है ना, वो जंपर की वैल्यू ने वो रजिस्टर कंपोनेंट की वैल्यू कभी नहीं समझता। आप ये बताओ, अगर 0 ओम्स के रजिस्टर पे आप जंपर मारोगे तो कंपनी क्यों लगाया है? कंपनी ने 0 ओम्स का रजिस्टर क्यों लगा के दिया है, आप मुझे बताओ। अगर उसको जंपर ही मारना था तो वो जंपर ही मार देती ना भाई, वो डायरेक्ट एक लाइन ही दे देती। वो कंपनी पे रजिस्टर क्यों लगाया है? चलो मुझे आंसर रिप्लाई करो, मैं आपको अगले वीडियो में इसका आंसर दूंगा। जो जो बताएगा कि 0 ओम्स का रजिस्टर क्यों लगा होता है लाइन पे, आपके सारे गुरुओं ने आपको बताया होगा, मुझे बताओ। और फिर बाद में मैं आपको सही आंसर दूंगा, और जो सही मिलता है उसके बारे में आंसर में रिप्लाई भी करूंगा। हैं, आप 0 ओम्स का रजिस्टर पे जंपर उठा के मार रहे हो, वो भाई वीवो B17 हो या वीवो का कोई सा भी फलाना ढिकाना मोबाइल हो और क्लॉक का रजिस्टर हो निकल जा रहा हो और आप जंपर मार रहे हो, तो भाई जंपर तो मारना नहीं है ना, बात तो ये है ना। वो जंपर वही मारेगा जिसको नॉलेज नहीं है। नॉलेज लाओ, जंपर नहीं। ये मिल गया 0 ओम्स का रजिस्टर, 10 ओम का यार, ये 0 का चाहिए। अच्छा देखिए, क्या ये मल्टीमीटर ही आपस में है? हाँ, समझ रहे हो, ये मल्टीमीटर ही मेरे को इतना दिखा रहे हैं। ये देखो 11, तो मतलब ये 0 ओम्स का रजिस्टर है। तो मल्टीमीटर मेरा बंद हो गया, और मैं ओम्स में करूंगा तो ओम्स में तो मेरे को 0.09 मेरा 0 ओम्स माना जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा 0 ओम्स का ही है। तो आइए इस रजिस्टर को निकाल लेते हैं और यूज करते हैं अपने बोर्ड में।
ये चार्जिंग डीसी टू डीसी एसी लगी हुई है दोस्तों, ये भी अब बहुत कम आती नहीं है फोनों में, ये पुराने फोनों में आती थी। ये कोरिया का फोन है, तो रजिस्टर निकाल लिया है। रजिस्टर लगाने से पहले हमेशा ध्यान रखें, बहुत टेक्निकली चीज बता रहा हूं, शायद दुकान वाले नहीं पता है। कंपोनेंट को ना ये देख ले, ये जो दो आपको सिल्वर से रहेगा ना, ये लूज ना हो, क्योंकि अगर लूज होंगे तो लगने के बाद भी काम नहीं करेंगे। तो एक बार डायग्राम देखना बनता है, ये रजिस्टर बिल्कुल ऐसे ही लगा था, बीबी क्लॉक। तो बीबी क्लॉक तो रजिस्टर लगा दिया है। देखो कोई भी अनाड़ी होता ना तो सीधे सीपीयू उतारता। मैं बोलता हूँ उतारो, ऐसा नहीं है, मैं भी कई बार अपने स्टूडेंट से बोलता हूँ कि सीपीयू उतारो तो ही चेक होगा, पर जिनमें डायग्राम नहीं है, जैसे वीवो के फोन होंगे या लेटेस्ट फोन होंगे, अब डायग्राम नहीं है तो तुम क्या करोगे? हाँ बताओ ना, कुछ कर पाओगे? तो अब चेक करेंगे कि, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन है, मैंने बोला बहुत कारणों से होता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन, कभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएस होल्ड के कारण नहीं होता। अब क्या है मार्केट में ना, जो चीज बता दो वो पकड़ लेता है, पीएस होल्ड, पीएस होल्ड, सर पीएस होल्ड चेक करो, पीएस होल्ड। अरे पीएस होल्ड के ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं मेरे भाई। हाँ, और लोग छुपा के बैठे हैं, उनको लगता है सिर्फ उनके पास, कोई तो जानता ही नहीं। और बाकी छुपाने का क्या है यार, नॉलेज है, बांटो यार, फैल के बांटो, उसके बाद भी नहीं कर पाए तो फिर आओ, क्योंकि मैंने बोला ज्ञान सीमित है, असीमित, असीमित सीमित नहीं है, कितना है जितना आप ले नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते आप। तो देखिए अब हमने चार्जर लगाया है, अब हम सारे वोल्टेज चेक करेंगे। तो चेक करेंगे भैया सारे वोल्टेज डीसी के साथ, सेम वही पांच, पहले वीपीएच, अब
दो वोल्टेज चेक करेंगे तो देखो स्टेबल है, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, कारण बताऊंगा अगले वीडियो में। यहाँ पर देखिए 0.7 स्टेबल, यहाँ पर देखिए 0.7 स्टेबल, यहाँ देखिए 0.7 स्टेबल, यहाँ देखिए स्टेबल, ये 1.2 है लोअर एलडीयू, ये स्टेबल स्टेबल 0.8 स्टेबल। ईडीएल देखेंगे गुड साइन। तो आइए चेक करते हैं कि क्या मसले दूर हुए, नहीं तो फिर अब इसके बाद होगा बड़ा काम। तो कंपोनेंट निकाल के बैठे हैं भैया। अच्छा दोस्तों ये मैं बता दूं ये क्या है, ये फॉर एग्जाम्पल ये सॉर्टिंग का एक फोन था जिसको एक टेक्नीशियन ने लोकल ने बोला था सर मैं फंसा रहे सब कुछ मैं बोला था, सॉर्टिंग का सेट था, मसला ये था कि सॉर्टिंग निकालने निकालते टाइम पे फोन तो डैडी था तो सॉर्टिंग तो निकाले तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट निकाले, तो बोले सॉर्टिंग तो चला गया पर चालू नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है कि ये कॉम्पोनेंट निकलने का रीजन यही हो सकता है, बाकी और भी बहुत सारे रीजन है भाई, गेले है दुनिया है पता नहीं क्या करती है। तो यहाँ हम चेक करेंगे, ये देखिए तो हमारा फोन यहाँ चार्जर लगा कर आ गया है और हम फोन को ऑन करने की कोशिश भी करते हैं। दोस्तों ये वीडियो बताने के लिए मेरा मेन मकसद इस फोन को ऑन करना नहीं था, मैं सच बताऊं ये फोन में है ना डायग्नोस करके बैठा था। अब आप बोलेंगे सर आप लाइट सेट क्यों नहीं डायग्नोस करते हैं, बेटा लाइट सेट डायग्नोस कर हम बहुत अच्छे से करते हैं और बहुत सारे हमने हजारों वीडियो बनाया है जिसमें हम लाइट सेट डायग्नोस कर देंगे। हमें आपको वो चीज बताना है जो लाइट सेट डायग्नोस करने वाले कभी नहीं बताते, आप समझो। मेन है कि हम आपको इसमें इस वीडियो के थ्रू, दोस्तों इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाह रहा था कि सिर्फ पीएस होल्ड की वजह से आपकी लाइन फ्लक्चुएट नहीं होती है, आपकी लाइन फ्लक्चुएट बेसिकली बीबी क्लॉक की वजह से भी होती है और भी मैंने बहुत सारी बातें बताई। सो दोस्तों इस वीडियो का पूरा मकसद सिर्फ ये बताना है कि पीएस होल्ड की वजह से आपकी जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट नहीं होते हैं, फ्लक्चुएशन आपका और भी बहुत सारी लाइनों से होता है जिसका मैंने जिक्र किया है, तो वो लाइनों के बारे में जानकारी ले लो, लिख लो कॉपी में ताकि इनकेस कभी अगला फोन आए तो आप उस पर्टिकुलर सेट पर काम कर सको, क्योंकि फिर उसके बाद में आपको देखना है कि आपका सीपीयू चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है अब देखो जैसे यहां पर आप नोटिस कर सकते हो तो अब हमारा फोन प्रॉपरली ऑन हो चुका है, अब हमारा फोन प्रॉपरली ऑन हो चुका है। सो ये वीडियो कैसा लगा बताएगा जरूर, इसमें मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की है, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, सब्सक्राइब कर लो।